जहां एक ओर इसराइल हमास युद्ध भयानक रूप लेता जा रहा है, वहीं कई देश इसराइल तो कई देश फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं। लगभग सभी मुस्लिम देश फिलिस्तीन का समर्थन करने में जुटे हैं। वहीं अमेरिका सीधे तौर पर इसराइल का समर्थन कर रहा है। वहीं भारत ने भी इसराइल के समर्थन को लेकर हामी भरी है, लेकिन भारत को इसराइल का समर्थन करना भारी पड़ गया है। कतर ने भारत से इसका क्रूर बदला लिया। कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। इस खबर को सुनकर भारत सन्न है। भारत के ये पूर्व नौसेना कर्मी कतर में 1 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। इन पर इसराइल के लिए कथित रूप से जासूसी का आरोप लगाया गया है। इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इसराइल को देने का आरोप है। क्या एक्शन लेगा भारतीय विदेश मंत्रालय? भारत के विदेश मंत्रालय ने इन पूर्व अफसरों की मौत की सजा पर बेहद हैरानी जताई है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने की बात कही है। भारत सरकार का कहना है कि वो सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों की मदद लेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम कतर के इस फैसले से स्तब्ध हैं। हम उनके परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने भी इस केस का ज्यादा खुलासा नहीं किया। कौन है नेवी के ये 8 पूर्व अफसर? इनके नाम कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश है। भारत में इन सभी का सर्विस रिकॉर्ड बेदाग और शानदार रहा है। इनमें से एक अफसर को भारतीय सेना में सेवा के दौरान राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। एक अधिकारी तमिलनाडु स्थित प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में अपने सर्विस के दौरान इंस्ट्रक्टर के रोल में रह चुके हैं। एक अधिकारी तो भारत के युद्ध पोत INS विराट पर फाइटर कंट्रोल और नेविगेटिंग ऑफिसर की भूमिका भी निभा चुके हैं। नौसेना से रिटायरमेंट के बाद ये अधिकारी कतर की कंपनी अल दहारा के साथ काम करने लगे, जो कतर के नौसेना अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जिसमें ज्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे। कंपनी बंद होने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर भारत सरकार का रुख साफ है कि वो इन अधिकारियों की रिहाई के लिए कड़े से कड़े प्रयास करेगा।